Hello guys, I am Asnasir and you are watching my channel. If you want to watch this video in English, you can turn on the subtitles. So, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं. फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और उसी में मैं आपको वीडियो की कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा. आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेशक आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलर ग्रेडिंग किस तरह की जाती है और कलर ग्रेडिंग है क्या और आप किस तरह कलर्स को ज़्यादा पॉप आउट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. अभी ये मैं अपने सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ और इधर मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे कि एक ये मेरी फेस की है और एक ये मोबाइल की. अब मैं इस वीडियो को नीचे अपनी टाइमलाइन पर ले आया हूँ और इसके अलावा अब इसका साउंड ख़त्म कर देते हैं. रेंडर अभी नहीं करने क्योंकि हमें शॉर्ट्स, मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिखाई जाए. और अभी इस पर हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कलर करेक्शन. कलर करेक्शन को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपको इसका हिस्टोग्राम, वाइट बैलेंस, 3D लट, कलर लाइट, HSL, विग्निट जैसी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. और उसके अलावा आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे प्रीसेट्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे. तो अभी इधर जैसे ये स्टार वॉर्स, मिशन इम्पॉसिबल, हैरी पॉटर, काफ़ी सारे प्रीसेट्स, जैसे उस मूवी में जिस तरह की कलर ग्रेडिंग होती है उस कलर ग्रेडिंग के प्रीसेट इधर हमें बने बने मिल जाते हैं. आप अगर इनको, जैसे ये बूस्ट कलर है, ये काफ़ी अच्छा एक प्रीसेट है, इसको आप लगा कर अगर अपनी वीडियो को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितनी ज़्यादा डिटेल आ गई है. मैं अगर आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि बगैर बूस्ट कलर के आपके पास क्या क्वालिटी आ रही है और बूस्ट कलर के साथ आपके पास क्या क्वालिटी आ रही है. और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. मैं तो ज़्यादातर ये बूस्ट कलर यूज़ करता हूँ. उसके अलावा मैंने कुछ अपने प्रीसेट्स बना रखे हैं, जैसे कि बूस्ट कलर 50% वाइब्रेंस. अब इसमें क्या है, ये बूस्ट कलर का इफ़ेक्ट ही है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पर कलर में आके जो वाइब्रेंस है उसको 50% कर दिया है, जबकि बूस्ट कलर में वो 100% थी. अब आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल वैसा इफ़ेक्ट एक बन गया है. लेकिन वाइब्रेंस को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ. अगर मैं इसको तकरीबन 82 कर दूँ तो ये ज़्यादा मुझे सही लग रही है इस वक्त. और जो सैचुरेशन है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. उसको अगर मैं कम करूँगा तो बहुत ज़्यादा कलर्स ख़त्म हो जाएंगे और उनको ज़्यादा करूँगा तो वीडियो में काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे. इसी तरह यहाँ से हम लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स. आपको आईफोन से एडिट की गई वीडियो जैसे आप उसको एडिट करते हैं तो आपको शेडोज़, हाईलाइट्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे वीडियो काफ़ी अच्छी हो जाती है. और कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ उस तरह की वीडियो वो आईफोन से ही बना सकते हैं, लेकिन जब आप अपने सॉफ्टवेयर में ये सारी ऑप्शंस एडिट करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन जाएगी. अब इसको देख लेते हैं कि जो कि मैंने इसको एडिट किया है और अब आप देखें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस वीडियो के अंदर और ये आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इस वीडियो के अंदर. इस वीडियो का सैम्पल भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वक्त. तो इसी तरह आप अपनी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी अपने मोबाइल डिवाइस में या किसी भी जगह पर. अगर आपके पास प्रीसेट्स मौजूद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेंस ज़्यादा करनी है, सैचुरेशन, ताकि आपका कलर ज़्यादा हो जाए. उसके अलावा ब्राइटनेस जैसी चीज़ों को भी आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये थी आज की वीडियो. इसके अलावा फिल्मोरा 9 पर अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल आपको करना हो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.